नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीम्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंप्यूटर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस की वीडियो का पार्ट एट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सी और सी प्लस प्लस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हमने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की मॉक टेस्ट सीरीज भी रिलीज कर दी है, अब हमने उसका प्राइस भी कम कर दिया है। अब उसका प्राइस हमने 99 रुपीज कर दिया है ओनली। अगर आपने अभी तक वो चेक नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, तो जाके उसे भी चेक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज की खोज किसने की? इसका आंसर है डेनिस रिचे। तो डेनिस रिचे ने सी लैंग्वेज की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, क्या सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है? इसका आंसर है यस। तो सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी प्रोग्रामिंग वॉज क्रिएटेड इन ईयर डैश, सी प्रोग्रामिंग की खोज किस वर्ष की गई? इसका आंसर है 1972 में। तो 1972 में डेनिस रिची ने AT&T बेल लैब USA में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ANSI, ANSI की फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो ANSI की फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी वॉज प्राइमरली डिवेल्प्ड एज, सी की खोज वैसे क्यों की गई थी? इसका आंसर है सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सी की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड ANSI सी रिकॉग्नाइज डैश नंबर ऑफ कीवर्ड्स, जो एक स्टैंडर्ड होता है सी का ANSI द्वारा सेट किया गया है, वो नंबर ऑफ कीवर्ड कितने लेता है? इसका राइट आंसर है 32। तो कितने रिजर्व वर्ड होते हैं उसमें? 32 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी प्रोग्राम आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ, सी जो प्रोग्राम है उसे हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं किसकी हेल्प से? इसका आंसर है अ कंपाइलर। तो कंपाइलर की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो हमारा सी का प्रोग्राम है उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन इंसर्ट प्री रिटन कोड इन आ सी प्रोग्राम बाय यूजिंग, जो प्री रिटन कोड होते हैं सी के उसे हम अपने प्रोग्राम में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? इसका आंसर है हैश इंक्लूड। तो हैश इंक्लूड का यूज करके जो हम प्री रिटन कोड होते हैं उसको अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज क्यों किया जाता है? इसका आंसर है क्विट द करंट आइट्रेशन। तो जो करंट आइट्रेशन चल रही होती है उसे क्विट करने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटएफ बिलोंग्स टू विच लाइब्रेरी ऑफ सी, प्रिंटएफ सी की किस लाइब्रेरी से बिलोंग करता है? इसका आंसर है stdio.h। तो stdio.h से बिलोंग करता है प्रिंटएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लॉन्ग इंटीजर वैल्यू ऑक्यूपाइज डैश इन मेमोरी, जो एक लॉन्ग इंटीजर होता है वो मेमोरी में कितने बाइट ऑक्यूपाई करता है? इसका आंसर है 4 byte। तो एक लॉन्ग इंटीजर 4 byte ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCPL, BCPL की फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो BCPL की फुल फॉर्म क्या है? बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइज ऑफ अ कैरेक्टर इज, कैरेक्टर का साइज कितना होता है? इसका आंसर है 1 byte। तो कैरेक्टर 1 byte लेता है मेमोरी में स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइज ऑफ डबल इज, डबल का क्या साइज है? इसका आंसर है 8 bit। तो 8 bit लेता है डबल मेमोरी में स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज डन एट डैश, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कब होती है? इसका आंसर है एग्जीक्यूशन टाइम। तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरे एलिमेंट्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन डैश मेमोरी लोकेशन, जो एरे के एलिमेंट्स होते हैं वो किस टाइप की मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं? इसका आंसर है सिक्वेंशियल। तो एरे के एलिमेंट हमेशा सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट शुड बी एनक्लोज्ड बिटवीन डैश, जो कैरेक्टर कॉन्स्टेंट होते हैं वो किसके बीच में होने चाहिए? इसका आंसर है सिंगल कोट्स। तो अगर आपने कोई कैरेक्टर कॉन्स्टेंट लिखना है तो आप सिंगल कोट्स के अंदर उसको लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, एक सिंगल कोट्स के अंदर लिखा, तो एक कैरेक्टर कॉन्स्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट शुड बी एनक्लोज्ड बिटवीन, अगर आपने कोई स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट लिखना हो तो आप किन किन के बीच उसे लिख सकते हैं? इसका आंसर है डबल कोट्स। तो डबल कोट्स के बीच में आप क्या कर सकते हो, कोई स्ट्रिंग आप लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट एक डबल कोट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी दी मैक्सिमम साइज ऑफ अ फ्लोट वेरिएबल, जो फ्लोट वेरिएबल होता है उसका मैक्सिमम साइज क्या होता है? इसका आंसर है 4 byte। तो जो मैक्सिमम साइज होता है फ्लोट का वो 4 byte होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑपरेटर डबल एन परसेंट इज
एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ऑपरेटर, जो डबल एम्परसेंट है वो किसका एग्जाम्पल है? इसका आंसर है लॉजिकल ऑपरेटर। तो डबल एम्परसेंट एक लॉजिकल ऑपरेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑपरेटर सिंगल एम्परसेंट इज यूज्ड फॉर, सिंगल एम्परसेंट किसके लिए यूज किया जाता है? इसका आंसर है बिटवाइज एंड। तो बिटवाइज एंड बताता है हमें क्या, सिंगल एम्परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर इन दी सी लैंग्वेज इज, सी लैंग्वेज में नंबर ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर कितने हैं? इसका आंसर है 6। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर कितने हैं सी में, 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइब्रेरी फंक्शन फ्री इज यूज्ड टू डायनेमिकली डैश मेमोरी, लाइब्रेरी फंक्शन फ्री का यूज क्यों किया जाता है? इसका आंसर है डी एलोकेट। तो मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए फ्री फंक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट इंटीजर नंबर आर स्टोर्ड एज डैश नंबर, जो बाय डिफॉल्ट जो इंटीजर नंबर है वो किस तरीके से स्टोर्ड होते हैं? इसका आंसर है साइंड। तो बाय डिफॉल्ट इंटीजर नंबर एक साइंड नंबर के साइंड नंबर स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉइंटर, पॉइंटर क्या है? इसका आंसर है पॉइंटर आर यूज्ड टू स्टोर द एड्रेसेस ऑफ अदर वेरिएबल्स। तो पॉइंटर का यूज क्यों किया जाता है, एड्रेस स्टोर करने के लिए अदर वेरिएबल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेरिएबल नेम इन सी इंक्लूड विच स्पेशल सिंबल, अगर हमने कोई वेरिएबल नेम सी में लिखना हो उसमें हम कौन से स्पेशल सिंबल का यूज कर सकते हैं? इसका आंसर है अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं हम वेरिएबल नेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू वेरिएबल, टू वेरिएबल को कंपेयर करने के लिए कौन से ऑपरेटर का यूज किया जाता है? इसका आंसर है डबल इक्वल टू। तो ये वाला वो ऑपरेटर है जिसका यूज कर सकते हैं हम दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फादर किसे कहा जाता है? इसका आंसर है बियान स्ट्रॉस्ट्रफ। तो बियान स्ट्रॉस्ट्रफ को सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफरेंसेस इज लाइका, रेफरेंसेस किसकी तरह होते हैं? इसका आंसर है पॉइंटर। तो रेफरेंसेस किसकी तरह होते हैं आपके, पॉइंटर की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हैज हाउ मेनी आर्गुमेंट्स, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कितने आर्गुमेंट होते हैं? इसका आंसर है 0। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कितने आर्गुमेंट होते हैं, कोई भी आर्गुमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ एसटीएल, एसटीएल की फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। तो एसटीएल की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? इसका आंसर है ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इंस्टेंस ऑफ क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड ऑफ मेंबर्स ऑफ क्लास इन सी प्लस प्लस, जो क्लास के मेंबर्स होते हैं उनका डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड क्या होता है? इसका आंसर है प्राइवेट। तो डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड क्या रहता है, प्राइवेट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वी कैन डिफाइन मेंबर फंक्शंस आउटसाइड दी क्लास, अगर हमने मेंबर फंक्शन आउटसाइड दी क्लास डिफाइन करने होंगे तो उसके लिए हम किस ऑपरेटर का यूज करेंगे? इसका आंसर है यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन। तो यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन हम जो अपने मेंबर फंक्शन को है आउटसाइड दी क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस अलाउज वन क्लास टू रीयूज द स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ अनदर क्लास। तो इनहेरिटेंस क्या अलाउ करता है हमें, कि किसी बेस क्लास की प्रॉपर्टी को हम इनहेरिट कर सकते हैं अपनी दूसरी क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ क्लास इन सी प्लस प्लस, क्लास क्या है? इसका आंसर है क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऊप्स कॉन्सेप्ट इन सी प्लस प्लस एक्सपोजिंग ओनली नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू यूजर और क्लाइंट्स इज नोन एज, ऊप्स का वह कौन सा फीचर है जो यूज किया जाता है सी प्लस प्लस में ताकि यूजर को सिर्फ नेसेसरी इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड की जाए? इसका आंसर है एब्स्ट्रैक्शन। तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन का यूज करते हैं। क्या होता है डाटा एब्स्ट्रैक्शन, जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को ही दिखाता है, बाकी जो बैकग्राउंड डिटेल्स होती है उसे हाइड कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी ओवरलोड कंस्ट्रक्टर्स इन सी प्लस प्लस, क्या हम सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर्स को ओवरलोड कर सकते हैं? इसका आंसर है यस। तो हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं सी प्लस प्लस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी प्लस प्लस प्रोग्राम मस्ट कंटेन, सी प्लस प्लस प्रोग्राम में क्या होना ही होना चाहिए? इसका आंसर है मेन। तो मेन फंक्शन आपका सी प्लस प्लस प्रोग्राम में होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस क्लास इन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस में बेस क्लास क्या होती है? इसका आंसर है अनदर क्लास गॉट इनहेरिट फ्रॉम दिस क्लास। तो जो बेस क्लास होती है उससे हम एक और क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं। तो बेस क्लास को हम पेरेंट क्लास भी कहते हैं, और जो इनहेरिट होती है क्लास उसे हम चाइल्ड क्लास और डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिंटैक्स इज यूज टू क्रिएट अ सिंगल लाइन कमेंट इन दी सी प्लस प्लस प्रोग्राम। सी प्लस प्लस प्रोग्राम में अगर हमने सिंगल लाइन कमेंट ऐड करना होगा तो कौन से सिंटैक्स का यूज किया जाता है? इसका आंसर है फॉरवर्ड स्लैश। तो डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज किया जाता है और उसके बाद अगर हम कुछ लिखते हैं तो वो एज ए कमेंट रीड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इंसर्टिंग अ न्यू लाइन इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम विच स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड। अगर हमने एक न्यू लाइन ऐड करनी होगी सी प्लस प्लस प्रोग्राम में तो हम कौन सी स्टेटमेंट का यूज करेंगे? इसका आंसर है बैकवर्ड स्लैश एन। तो बैकवर्ड स्लैश एन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज यूज टू रिप्रेजेंट दी टैब। अगर आपने टैब को रिप्रेजेंट करना होगा सी प्लस प्लस में तो आप कौन से सिंटैक्स का यूज करेंगे? इसका आंसर है बैकवर्ड स्लैश टी। तो बैकवर्ड स्लैश टी का यूज करेंगे अगर हमने टैब रिप्रेजेंट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एरे इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में एरे क्या होता है? इसका आंसर है एन एरे इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप। तो सेम टाइप्स के कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट को एरे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आर देयर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में कितने टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं? इसका आंसर है दो टाइप की। तो कौन कौन सी होती है? कंपाइल टाइम और एक रन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अप्रोच इज यूज्ड बाय सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के द्वारा कौन सी अप्रोच यूज की जाती है? इसका आंसर है बॉटम अप। तो सी प्लस प्लस के द्वारा कौन सी अप्रोच यूज की जाती है? बॉटम अप अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस ऑपरेटर कॉल्ड। यहाँ पे एक आपको ऑपरेटर दिख रहा होगा, क्वेश्चन मार्क और कॉलन का ऑपरेटर, इसे हम कौन सा ऑपरेटर कहते हैं? इसका आंसर है कंडीशनल ऑपरेटर। तो कौन सा ऑपरेटर है? कंडीशनल ऑपरेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैपिंग डाटा एंड इट्स रिलेटेड फंक्शनैलिटी इनटू अ सिंगल एंटिटी इज नोन एज डैश। तो डाटा और जो आपके फंक्शंस होते हैं उनको रैप करना एक सिंगल यूनिट में, उसे हम क्या कहते हैं? इसका आंसर है एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन क्या होता है? रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड फंक्शन इन अ सिंगल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्सेप्ट अलाउज यू टू रीयूज द रिटन कोड। सी प्लस प्लस का वह कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आपको कोड को रीयूज करने की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है? इसका आंसर है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का यूज करके आप कोड को रीयूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी प्लस प्लस इज डैश। सी प्लस प्लस क्या है? इसका आंसर है बोथ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्लस प्लस एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस यहाँ पे लाते रहेंगे। धन्यवाद।